ये जो स्टोरी है इसमें थोड़ा सा डेप्थ है, इस स्टोरी को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये स्टोरी एक पर्सन की जिनका नाम है वुल्फ मेसिंग। ये अब से 100 ईयर्स पहले का कुछ इंसिडेंट है जो मैं आपको शेयर करता हूँ। अब से 100 ईयर्स पहले ही हुआ करते थे और इनको अप्रिशिएट करते थे उस टाइम के जो ग्रेटेस्ट माइंड थे, जैसे सिगमंड फ्रायड हुए, आइंस्टीन हुए, इंडिया के भी जो टॉप लीडर्स थे वो भी इनको एडमायर करते थे, अप्रिशिएट करते। इनकी जो प्रोफेसीज थे उससे हिटलर भी डरता था। हिटलर ने इनके ऊपर तो हिटलर को लेकर इन्होंने कुछ प्रोफेसीज शेयर किया था तो हिटलर ने इनको फिर धमकी दिया था, या इनके ऊपर वो था कि मतलब इनका सर लाने पे इनाम रखा था काइंड ऑफ, तो इनको अपनी कंट्री छोड़ के फिर रसिया जाना पड़ा था। अब इनकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट शेयर करता हूँ। पहला इंसिडेंट, जब ये 15 ईयर्स के थे तो इनके घर में कुछ जो भी टेंशन या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा तो ये घर से छोड़ के कहीं नाराज होके, जैसे बच्चे कई बार नाराज होके चले जाते हैं, वो घर से बाहर कहीं निकल गए, स्टेशन गए, जो भी ट्रेन मिली उसमें बैठ गए। टिकट था नहीं, टिकट चेकर आया तो डर के मारे, 15 साल के बच्चे थे। जब ये बड़े हुए उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये मेंशन किया, ये सब कुछ अवेलेबल है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये इंसिडेंट मेंशन किया है कि वो जब टिकट चेकर आया तो ये सीट के नीचे छुप गए डर के मारे, क्योंकि टिकट था नहीं इनके पास। फिर टिकट चेकर ने इनको देख लिया तो उसने बोला, वेयर इज योर टिकट जेंटलमैन। तो ये घबरा गए कि क्या बोलूं। तो इन्होंने कागज का टुकड़ा था, मन में कुछ सोचा बोला और वो उनको पकड़ा दिया। अखबार का एक टुकड़ा नीचे पड़ा था, वो पकड़ा दिया। टिकट चेकर ने उसको पंच किया और बोला कि तुम अजीब आदमी हो, जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुम ऐसे नीचे क्यों बैठे हुए। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेंशन किया है कि उस दिन इनकी लाइफ चेंज हो गई, उनको कुछ पता चला, फिर उसी को सब्जेक्ट बना के अपनी लाइफ उस पर उसी को स्टडी किया, रिसर्च किया, डेमोन्स्ट्रेट किया। फिर ये अपने जो भी इन्हीं सब साइंस को लेके, जिसको ये पावर ऑफ सजेशन या पावर ऑफ बिलीफ बोलते थे, इनका ये कहना था कि अगर हम किसी को कोई सजेशन दे दें तो वो उसको मान लेता है, इनका ऐसा कहना था। इसको ये डेमोन्स्ट्रेट करते थे, इनके अपने मैजिक शोज होते थे और अपनी साइकिक एबिलिटीज को ये शो करते थे। तो इनके बारे में उनको पता चला, जो स्टेलिन थे, जो रसिया के जो एम्परर थे स्टेलिन, उनको पता चला इनके बारे में, इनकी टीचिंग्स के बारे में, इनके मैसेजेस के बारे में। तो उन्होंने इनको गिरफ्तार करवा लिया और बोला कि मुझे प्रूफ करो जो तुम बोलते हो कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये अब से 100 ईयर्स पहले किए सारे इंसिडेंट। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो उन्होंने उनको टास्क दिया, पहला टास्क दिया कि आप बैंक जाओ और इसी प्रिंसिपल को यूज करके बैंकर से 1 लाख रुपीज लेके आओ, जो भी रशियन रुपीज होता हो। तो ये बैंक गए, बैंकर को एक प्लेन पेपर दिखाया और बैंकर से बोला कि ये 1 लाख रुपीज का मेरा चेक है, मुझे 1 लाख रुपीज दे दो। तो बैंकर ने 2-3 बार पेपर को देखा, इनको पैसे दे दिए। ये स्टेलिन के पास आया, स्टेलिन को उन्होंने पैसे पकड़ाए कि ये रहा आपका पैसा। तो स्टेलिन को डाउट हुआ कि हो सकता है कुछ इसने कुछ प्रॉमिस कर दिया हो, कुछ कर दिया हो। तो इन्होंने बोला नहीं ठीक है आप जाओ पैसे लौटा दो। तो ये बैंक वापस गए, बैंकर को पैसे लौटाया और बैंकर से बोला मेरा चेक मुझे आप वापस, मेरा पेपर मुझे वापस कर दो आप। तो बैंकर ने जब पेपर निकाला तो जब दोबारा देखा तो उसको प्लेन दिखा, तो वो बेहोश हो गया, उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ उसके साथ। फिर स्टेलिन ने इनको एक और इंसिडेंट टास्क दिया, इन्होंने वो भी पूरा कर लिया। फिर स्टेलिन ने इनको एक और टास्क दिया, जो थर्ड टास्क था वो स्टेलिन ने ये बोला था कि अब एक काम करो, आप किसी फिक्स डेट पे, उनको एक टाइम दिया, डेट दिया कि इस डेट पे आप मेरे से मिलने आ जाओ, अपनी इन्हीं पावर का यूज करके आप आना, और मैं आपको कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं दे रहा हूँ जिसको आप दिखा के मेरे पास आ पाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जो भी तय टाइम था, तय वक्त था, उस टाइम पे उस वक्त पे ये स्टेलिन के पास पहुंच गए। तो स्टेलिन घबरा गया, स्टेलिन, क्योंकि स्टेलिन जिस तरह का किंग था, जिस तरह का एम्परर था, उसके जितने फ्रेंड्स ने उसको वहां का किंग बनने में हेल्प किया था, वो उन सबको भी वो उसने मरवा दिया था इस सोच से कि जब ये मेरी हेल्प कर सकता है तो ये किसी और की भी हेल्प कर सकता है। उतना क्रूवेल पर्सन था वो। तो स्टेलिन ने, मतलब स्टेलिन की मर्जी के बिना स्टेलिन के पास भी पहुंच जाए, ये क्लोज टू इम्पॉसिबल था। तो जब ये स्टेलिन के पास पहुंच गया तो स्टेलिन ने पूछा कि तुमने किया क्या। तो उन्होंने बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक बात पता किया कि आपके बाद आपका जो एम्पायर है उसमें जो सबसे सेकंड पावरफुल पर्सन कौन है, तो मुझे पता चला वो आपके सेनापति हैं जिनका नाम ब्रूनो है। तो मैं बस आपसे मिलने निकल पड़ा और रास्ते में जो भी मुझे मिलता था मैं उनसे एक ही बात बोलता था कि मैं ब्रूनो हूँ और मुझे स्टेलिन से मिलना है। तो आपके जो भी सिपाही थे, सैनिक थे, वो मुझे सलाम ठोकते थे और रास्ता बताते थे कि आप इधर जाओ उधर जाओ, और इस तरीके से मैं आपके पास आ गया। तो उसके बाद स्टेलिन ने इनको फ्रीडम दे दिया कि नहीं आप जेन्युइन पर्सन हो, आप रसिया में कहीं भी आओ जाओ आपको पूरी फ्रीडम है। इनको पूरी फ्रीडम दे दिया कि नहीं आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं, आप फ्री हो, आप मतलब आप ठीक हो, आप कुछ गलत प्रैक्टिस नहीं कर।
फिर उसके बाद स्टालिन ने अपनी जो रिसर्च टीम थी, उनके जो भी साइंटिस्ट थे इससे इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको एक टास्क दिया, उनको बोला कि पता करो ये पर्सन क्या करता है, कैसे करता है, और ये जो भी कर रहा है उसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपनी पावर को बढ़ाने में, अपना साम्राज्य बढ़ाने में, इसे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसकी जो टीम थी उसने वर्क करना शुरू किया, इनको रिसर्च किया, स्टडी किया, फिर एक कंक्लूजन निकाला। सो वो जो कंक्लूजन था, अगर आपको जानने में इंटरेस्टेड है तो अपना इंटरेस्ट शो कीजिए तो मैं आपको वो शेयर करता हूँ। सो वो जो कंक्लूजन था वो ये था कि जो जो स्टेलिन की टीम थी उन्होंने बोला कि ये जो भी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस जो भी कर रहे हैं, इसको हम लोग अब तक का सबसे डेडलीस्ट वेपन की तरह यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे कम एक्सपेंसेस आएंगे और सबसे ज्यादा हम लोग डिजायर रिजल्ट हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो स्टेलिन ने कहा कि अच्छा, ये तो अच्छी बात है, बताओ करना क्या होगा। तो उनके जो टीम थी उन्होंने बोला कि इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस एक काम करना होता है, जो भी हमारा दुश्मन देश है उसको हमें एक ऐसा सजेशन देना होता है जिसमें हमारा फायदा होता हो, उनका नुकसान होता हो, बस एक सजेशन देना है बस हमें। तो बहुत स्ट्रांगली और बहुत वो ऐसा सच जैसा दिखाई दे वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके वैसा एक सजेशन देना होता है बस। तो इसलिए ने बोला कि थोड़ा सा एग्जाम्पल बताओ कि कैसे, मतलब ये इसका मतलब क्या है, क्या सजेशन दें, इसका मतलब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करके बताओ। तो उनकी टीम ने बोला कि इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने एनिमी कंट्री को या दुनिया को, जहां भी हम जिसके साथ भी ये करना चाहे, उनको अगर हम ये बोल दें कि आपके जो भी वेपन्स हैं वो अपने ऊपर ही मार लो, तो वो अपने ऊपर ही मार लेंगे। अगर हम उनको ये सजेशन दे दें कि कोई महामारी आ गई है, देश बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो, लोग बाहर निकलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो वो देश बंद कर देंगे, वो लॉकडाउन कर देंगे। मतलब कोई भी हम सजेशन देंगे तो उसको वो डिनाई नहीं कर पाएंगे, उसको फॉलो कर लेंगे। ये जो फाइंडिंग थी, ये जो जो भी प्रिंसिपल था वो शेयरिंग ये थी, और इसका जो 2020 से रिलेशन है, आप उस पर कितना ट्रस्ट कर पाए कितना नहीं कर पाए वो आपके ऊपर है। 2020 में एक इन्फॉर्मेशन आई कि महामारी आ गई है, एक सजेशन आया जिसमें ज्यादातर लोग को नुकसान हो रहा था और किसी को फायदा हो रहा था। सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ बिलीव। एक रिसर्च है साइकोलॉजिकल जो ये कहती है एनी डिजीज इज 95% साइकोलॉजिकल, एनी डिजीज इज 95% साइकोलॉजिकल। सो किसी भी डिजीज को केवल आप डिनाई करके आप उसको हील कर सकते हो या आगे बढ़ने से वो नहीं कर सकते, आगे बढ़ने से आप उसको रोक सकते हो। क्योंकि ठीक है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सियल है, आप इसको, क्योंकि हमारा माइंड देखिए उस बात को सच नहीं मानता जो सच होता है, हमारा माइंड उस बात को सच बोल मानता है जो चीज हमें बार 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 बोली जाती है। हमारा माइंड, हमारा ब्रेन उस बात को सच नहीं मानता जो सच होता है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड उस बात को सच मानता है जो उसको रेपिटेटिव 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 बताई जाती है। सो दिस इज व्हाट कैन बी डन विद द पावर ऑफ बिलीफ। एक और इंसिडेंट शेयर करता हूँ जिससे थोड़ा सा अगर आप समझना चाहेंगे तो आप समझ जाएंगे। एक और एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि हम लोग बिलीफ की बात करें तो बिलीफ की पावर या कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो हम लोग समझना हमारे लिए जरूरी है। एक और स्टोरी शेयर करता हूँ, इंसिडेंट शेयर करता हूँ, वो भी रियल है, जैसे ये रियल है वैसे रियल है। एक बार एक पर्सन को डेथ सेंटेंस की सजा हो गई कोर्ट से, इंडिया के बाहर किसी कंट्री की इंसिडेंट है। तो दो साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि हम इनके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि डेथ सेंटेंस की सजा तो इनको हो ही गई है, तो हम कुछ अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं इनके साथ, ताकि हम लोग ह्यूमैनिटी को सर्व कर सके एंड ये जो भी ऐसे कुछ। तो गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया कि ठीक है डेथ सेंटेंस तो हो ही गई है और आप लोग कैन वी चेंज आवर बिलीव्स। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं पिताजी, हम लोग उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। अपने ब्रेन में हम लोग कोई भी चेंज कर सकते हैं, और इसका मतलब अपनी लाइफ में और किसी की लाइफ में भी हम लोग कोई भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो फोकस है अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को लेकर। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये किया कि वो जो पर्सन थे, वो जो प्रिजनर थे जिनको डेथ सेंटेंस की सजा हो गई थी, उनको एक चेयर पे बांध दिया, उनका हाथ पैर बांध दिया, आंखों में पट्टी बांध दिया, और उनको एक इन्फॉर्मेशन दिया बस। उनको ये बोला कि आपको जो डेथ सेंटेंस होने वाली है वो एक पर्टिकुलर सांप का नाम बताया, ये थोड़ा फेमस है, हो सकता है आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट सुना भी हो, अगर थोड़े रीडर हो गए आप लोग तो या सीकर हो गए ऐसे तो। वो एक सांप का नाम बताया कि आपको इस सांप से डसवा के आपको इस तरह से डेथ सेंटेंस की सजा मिलने वाली है, और उनको हाथ पैर सब कुछ बांध दिया था कि वो कुछ कर नहीं सकते थे, उनको मतलब बस उसी पे ट्रस्ट कर सकते थे जो उनको बताया गया था। फिर क्या किया उन साइकोलॉजिस्ट ने, केवल दो पिन चुभाया उनको, दो नॉर्मल पिन चुभाया, और वो पर्सन मर गए। और वो केवल मरे नहीं,
उन जिस सांप का नाम बताया था उस सांप के एक्चुअल काटने पे जितना पॉइजन बॉडी क्रिएट करती है उनके शरीर ने उनके बॉडी ने उतना ही पॉइजन क्रिएट किया था। सो दिस इज द पावर ऑफ बिलीव। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे जो पहली वाली जो इंसिडेंट था शायद थ्रू आउट डाइजेस्ट कर पा रहे होंगे, हालांकि ये बहुत डीपर चीजें हैं, इसको डाइजेस्ट करना कई बार इतना आसान नहीं होता। हम लोग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हैं, हम लोग को पता है, इसलिए हम लोग के लिए डाइजेस्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता।